जैसा कि ये विदित है कि आज पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी द्वारा भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती विचार संगोष्ठी के रूप में बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। और इस शुभ अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपनी ओर से वे अपनी पार्टी की ओर से भी पूरे तह दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और इस मौके पर मैं उनके करोड़ों करोड़ों अनुयायियों से ये भी अपील करती हूँ कि वे उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर अपने पैरों पर खुद खड़े हों, तभी फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अधूरा रहा कार्य व सपना भी पूरा हो सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि इस मौके पर मैं पूरे देश में वर्तमान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आए दिन जगह जगह पर मूर्ति तोड़े जाने के साथ साथ उनके अनुयायियों का संविधानिक हक छीनने व उन पर भारी जुल्म जाति करने वाली खासकर बीजेपी व उनके केंद्र व राज्य सरकारों को और विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थलों को केवल सम्मान देने से व इनके नाम पर कुछ योजनाएं आदि चलाने से भी उनके अनुयायियों का विकास व उत्थान नहीं हो सकता है, बल्कि इसके लिए इनको इनके करोड़ों करोड़ों अनुयायियों के प्रति अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता को बदलना होगा, जो अभी तक भी हमें बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। वरना फिर इनके राज में SC ST एक्ट व पदोन्नति में आरक्षण निष्प्रभावी व प्रभावहीन नहीं होता, और ना ही हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड तथा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सबीरपुर गांव में भी दलितों का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि होता, तथा ना ही SC ST एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने हेतु सड़कों पर उतरे इन वर्गों का दिनांक 2 अप्रैल 2018 को बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न होता। ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर इनके द्वारा आए दिन की जा रही किस्म किस्म की नाटकबाजी से इन वर्गों के ऊपर कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अब इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर अपनी दिखावटी नाटकबाजी बंद करनी चाहिए, और इसके स्थान पर अब इनको यानी कि बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को इनके अनुयायियों के आत्मसम्मान व विकास एवं उत्थान की तरफ पूरी ईमानदारी व निष्ठा से ध्यान देना चाहिए, तभी फिर ये लोग इन वर्गों के दिलों में अपनी थोड़ी बहुत जगह बना सकते हैं। वरना फिर इनके इस दोहरे मापदंड से इनको कुछ भी राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। ऐसी मेरी इनको सलाह भी है। धन्यवाद। इस बारे में मेरा प्रधानमंत्री जी को ये कहना है कि SC ST एक्ट के मामले में यदि शुरू में ही माननीय कोर्ट के अंदर तो केंद्र सरकार द्वारा सही पैरवी की होती तो शायद ये जो एक्ट है निष्प्रभावी नहीं बनता, लेकिन जब ये एक्ट निष्प्रभावी बन गया है और अब ये लोग रिव्यू में गए हैं और रिव्यू का फैसला कब आता है ये भी नहीं कुछ कहा जा सकता, तो ऐसी स्थिति में मैं ये समझती हूँ कि
तो ये कह देना कि हम इसको निष्प्रभावी नहीं होने देंगे, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए हम पूरा पूरा ध्यान देंगे। तो मेरा प्रधानमंत्री जी को आज ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है इन वर्गों के प्रति, दलितों आदिवासियों के प्रति यदि नीयत साफ है, तो फिर आपको तो मान्य कोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए फैसले का, बल्कि इससे पहले ही इस एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए आप अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं और मीटिंग बुलाकर इसके ऊपर वो अध्यादेश जारी करें। और मैं समझती हूँ अध्यादेश जारी करने से तो तब तो कुछ काम चल सकता है, लेकिन इस ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा है। और वहीं आपको ये भी मालूम है कि दलितों की आदिवासियों की चिंता इनको नहीं है। यदि चिंता होती तो मामला जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया था तो इसकी सही पैरवी करते। यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसको निष्प्रभावी बना भी दिया था तो इनको तुरंत अध्यादेश जारी करना चाहिए था इसको प्रभावी बनाने के लिए। और यदि ऐसा कर देते तो फिर जो दलित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग, जो 2 अप्रैल को पूरे देश भर में शांतिमय ढंग से अपनी बात को मनवाने के लिए या केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो सड़कों पर उतरे थे और उनके ऊपर तो इन्हीं लोगों ने, तो जो असामाजिक तत्व हैं तो उनको आगे करके इनको हिंसा, इनको जुल्म जाति का भी शिकार बनाया। मैं समझती हूँ उनको ये सब नहीं करना पड़ता। तो इसलिए, और जबकि वही दूसरी तरफ ये दलित आदिवासियों को कुछ नहीं अहमियत देते हैं ना समझते हैं, और वहीं दूसरी तरफ इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की कोड़ी के भाव में जमीन खरीदने के लिए, तो जब ये नया अध्यादेश, नया ये बिल ला रहे थे भूमि अधिग्रहण के लिए, जब पार्लियामेंट में वो पास नहीं हुआ तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने अध्यादेश जारी किया था, आपको ये मालूम है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो विपक्ष है तो इनकी मानसिकता को समझ गया था, फिर इनको अपने कदम पीछे उठाने पड़े थे। तो इनको बड़े बड़े पूंजीपतियों, धन्ना सेठों के हितों का तो ख्याल है, इसके लिए ये किसानों का शोषण करने के लिए भी तैयार है, अध्यादेश जारी भी करने के लिए तैयार है, लेकिन दलितों और आदिवासियों के मामले में नहीं। तो ये जो इनका दोहरा मापदंड है तो ये किसी से छिपा नहीं है। जिग्नेश मेवानी ने कहा है कि हम सभी से अपील करते हैं कि बीजेपी के नेताओं का डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करें, और इसलिए विरोध करें क्योंकि हमको इस बात का डर है। देखो कौन क्या, मेरे पास सुनो, अंबेडकर जयंती के मौके पर ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। देखो ऐसा है, इनको जो ट्रबल क्रिएट करना था तो ये कोई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती के मौके पर नहीं, ये लोग ये सोचे कि इस मौके पर करेंगे, ये ट्रबल क्रिएट जो है तो कभी भी कर सकते हैं। तो 2 अप्रैल को जब इन वर्गों ने SC ST एक्ट के लिए को प्रभावी बनाने के लिए पीसफुल तरीके से शांतिमय ढंग से एजिटेशन किया, तो क्या उस समय इन्होंने ट्रबल क्रिएट नहीं किया था? जब जब भी दलितों ने, शोषितों ने, पिछड़ों ने, अकलियतों ने या किसानों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने जब भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो ये क्योंकि ये सरकार पूर्ण रूप से तो ये जातिवादी है, पूंजीवादी है, और इनकी नीयत साफ नहीं है और इन वर्गों को फायदा ना पहुंचे, तो ये तो हमेशा ही ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं। और मेरे ख्याल जो लोग इस किस्म की बात कर रहे हैं उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो नॉलेज है राजनीति के मामले में भी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मामले में भी बहुत कम है, उनको ज़्यादा जानकारी है नहीं। क्योंकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि जब केंद्र में श्री BP सिंह की सरकार थी और हमारी पार्टी के पहली बार 1989 में श्री BP सिंह की सरकार बनी और हमारी पार्टी का पहली बार पार्लियामेंट में खाता खुला था, हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट चुन कर आए थे, उसमें मैं भी चुन कर आई थी। तो उस दौरान तो हमने जब श्री BP सिंह क्या चाहते थे कि हमारा भी समर्थन मिल जाए, BJP सत्ता में नहीं थी, मिलके चुनाव लड़ा था, BJP सत्ता के अंदर शामिल नहीं हुई, उन्होंने
श्री बीपी सिंह की जनता दल पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, बाहर से समर्थन दे रहे थे, तो हमने उनको ये कहा था उस समय श्री बीपी सिंह को, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, हमारे दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तो केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पावर में रही, उन्होंने उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया, आप उनको सम्मानित करें। दूसरी शर्त यह है कि जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 के तहत जो मंडल कमीशन का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट पिछली कांग्रेस की केंद्र की सरकार में रिपोर्ट आ गई थी, वो पेंडिंग में पड़ी है, उसको लागू नहीं किया गया पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए। हम ये चाहते हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। तो श्री बीपी सिंह ने हमारी दोनों शर्तें मान ली, हमने उनको भारत से समर्थन दे दिया। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, बाहर से वो समर्थन उनको दे रहे थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा बीजेपी को, और उनको उन्होंने क्या किया कि श्री बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापसी ले लिया, और पूरे देश भर में तो इसके खिलाफ उन्होंने आगजनी की, धरना प्रदर्शन किया, और खासकर जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागी उसके खिलाफ इन्होंने जबरदस्त इसका डटकर विरोध किया था, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो इसलिए चाहे ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का सवाल नहीं है, तो जब भी दलितों, पिछड़ों, अकलियतों, आदिवासियों, जब भी इनके हितों की बात आई, तो तब तब इन्होंने, अकेला बाबा साहब की जयंती का सवाल नहीं है, जब भी इनके हितों की बात आई, इनके अनुयायियों के हितों की बात आई, तो हमेशा इन्होंने कोई ना कोई रोड़ा इन्होंने पैदा किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, कानून व्यवस्था वहाँ ध्वस्त हो चुकी है, जो महिलाएं उनकी जो अस्मतें हैं तो वो महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों की आए दिन इज्जत लूटी जा रही है, और इतना ही नहीं, सरकार के जो सरकार में जो शामिल लोग हैं, चाहे वो मंत्री हैं चाहे वो विधायक हैं, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है, और इस सरकार के विधायक लोग इसमें शामिल होते हैं, इस किस्म की वारदातों में उन्नाव की घटना आप लोगों के सामने है, इसी प्रकार तो जम्मू कश्मीर में कठुआ की घटना आप लोगों के सामने है, जब वहाँ पर एक मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, तो बीजेपी के जो मंत्री लोग हैं, सरकार में बैठे लोग जिस प्रकार के बयानबाजी वो कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ वो बड़ी शर्मनाक बात है। तो और ऐसी स्थिति में तो बीजेपी जो ये बार बार कहती है कि हम बेटियों का बड़ा सम्मान करते, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कठुआ में जो घटना घटी, उन्नाव में जो घटना घटी, तो इसको लेकर हम लोग बड़े दुखी हैं, केवल दुख प्रकट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो दोषी लोग हैं, चाहे उनकी पार्टी के लोग ही क्यों ना दोषी हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उसमें लिपापोती नहीं होनी चाहिए। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी, देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।